तो दो प्रॉपर्टी कल बता दिए थे इलेक्ट्रिक फील्ड का, अब है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव अगर सामने रहेगा तो कैसा बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो अगर सिर्फ एक पॉजिटिव रहेगा तब तो कल ही सीख लिए, तो कैसा होता है रेडियली आउटवर्ड इस तरह से, ठीक है। लेकिन अगर इसके बगल में एक और पॉजिटिव बन गया, यानी दो पॉजिटिव हो गया सामने सामने, तो क्या फर्क पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में? तो तुम इसको एकदम आसानी समझ सकते हो। अगर मान लो दो मैग्नेट, मैग्नेट सबको ही देखा होगा, अब अगर मान लो सेम पोल है और जैसे नजदीक लाते हो तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, भागने लगेगा ऐसे ऐसे करके, है ना, सटना सटता नहीं है कभी भी, तो क्या होगा सेम ऐसे यहां भी होगा, जैसे ही पॉजिटिव पॉजिटिव सामने आएगा तो क्या होगा दोनों के बीच में रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा, है ना, तो फिर लाइन्स क्या हो जाएगा डाइवर्ट हो जाएगा, है ना, चाहे मैग्नेट रहे या फिर चार्ज रहे। तो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगा अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव सामने रहेगा, है ना, तो ये मान लो एक पॉजिटिव है और ये दूसरा पॉजिटिव है, देखो इधर आधा उधर मतलब उस तरफ कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, इस तरफ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क किसको पड़ेगा जो सामने सामने मतलब फेस टू फेस जिसको बोलते हो। अब ये सामने सामने रहेगा तो डाइवर्ट हो जाएगा, तो क्या आपस फील्ड लाइंस कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ये डाइवर्ट हो जाएगा इस तरह से। और कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सटेगा नहीं अगर सेम चार्ज रहेगा तो क्या होगा जैसे आएगा तो क्या होगा डाइवर्ट होगा इस तरह से, है ना, क्योंकि सेम फील्ड है, यानी ये जाना चाह रहा था इधर ऐसे जाना चाह रहा था, ये इधर जाना चाह रहा था ये इधर जाना था, लेकिन चूंकि सेम चार्ज है इसलिए क्या होगा रिपल्सन, इसलिए क्या होगा इधर, यही अगर पॉजिटिव और नेगेटिव रहेगा तब तो आसानी से सट जाएगा जाकर और स्ट्रॉन्गली अटैच हो जाएगा, झुक जाएगा। तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव अगर रहेगा, ये पॉजिटिव और एक मान लो नेगेटिव है, तो इधर साइड को तो फर्क नहीं पड़ेगा, देखो आधा को तो फर्क नहीं पड़ेगा, और नेगेटिव में आकर फ्री लाइन उसकी तरफ आता है और ये क्या होगा स्ट्रॉन्गली सट जाएगा, देखो तुम और यहां पर नहीं हो पाया क्योंकि यहां पे सेम है, क्या होगा डाइवर्ट करते एकदम ब्रेक कर जाएगा। कैसा होता है इसका देखो हम बताते हैं ऐसे 3D में। अगर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या होगा, देखो यहां पे ध्यान देना, ये सामने भी पॉजिटिव और इधर भी पॉजिटिव, अगर दोनों पॉजिटिव रहेगा तो कैसा फील्ड लाइंस बनेगा, तुम उसको विजुलाइज कर सकते हो या यूट्यूब में दिख भी जाएगा तुमको। तो ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहां से अगर यहां पे कोई नहीं रहता तो सामने जाते रहता ऐसे करके इस तरफ चलो, यहां भी सामने नहीं होगा तो चारों तरफ जाते रहता, लेकिन जैसे ही सामने आएगा तो क्या होगा ये ऐसे जा रहा है तो इसका फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है लेकिन इधर से जा रहा है, दोनों के बीच में क्या होगा रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा, तो क्या होगा यहां से मुड़ जाएगा ऐसे, है ना, यानी ऐसे करके ऐसे मुड़ जाएगा। तो ये क्या है जैसे सामने आएगा, यानी ऐसा नहीं कि यहां सामने हम नहीं दिखा रहे सामने नहीं ऐसा नहीं है, ये भी ऐसे करके मुड़ गया लेकिन हम दिखाएंगे कैसे ऐसे करके पीछे से मुड़ गया, ये भी ऐसे करके इधर से मुड़ गया, तो हर फील्ड लाइन क्या हो जा रहा है मुड़ जा रहा है, जो भी आगे की तरफ बढ़ना चाह रहा है वो क्या हो जा रहा है बेंड कर जा रहा है इधर से, है ना, ये इस तरह से है। ऐसे इधर वाला भी सेम हो रहा है, जहां चाह तो आगे लेकिन क्या हो जा रहा है बेंड कर जा रहा है चारों तरफ से, है ना, फाउंटेन की तरह, है ना, ये चीज। और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव रहेगा तो दोनों स्ट्रांगली अटैच है, तो इसका फील्ड लाइन कैसे बनता है इस तरह से, ये एकदम आराम से यहां पे सट जाता है इस तरह से। तो जब भी रिपल्सन होगा इस तरह से, चाहे मैग्नेट रहे या कोई भी रहे, कॉन्सेप्ट एक ही तरह से रहता है ना। हाँ, मैग्नेट में प्लस पॉइंट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाता है, अब उसी चीज को सीखेंगे। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, तीसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता। अच्छा, क्लोज लूप किसको बोलते हैं, क्लोज लूप उसको बोलते हैं जहां पर आउटगोइंग और इनकमिंग बिल्कुल बराबर होता है, उसको बोलते हैं क्लोज लूप। जैसे तुम देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पड़ोस को इसलिए बोल रहे हैं, जितना आउटगोइंग है फिर से करंट उतना आ जाता है, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, करंट ऑलवेज फ्लो इन अ क्लोज लूप, किसी भी सर्किट में जो करंट का फ्लो होगा वो उसमें क्लोज लूप में होगा।
यहां पे देखो तो क्या, ये अगर पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव तो ऐसे भी कोई लूप नहीं बना सकता क्योंकि मिलता ही नहीं है दोनों, है ना, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव में मिलता है इस तरह से, ये इधर भी हो गया दिखा दिया। अब बताओ क्या हो गया कि यहां पे क्या देख पा रहे हैं हम लोग कि ये जो यहां से निकला और इसके पास आ गया, लेकिन क्लोज लूप किसको बोलेंगे, यहां से निकला है फिर वापस भी आना चाहिए, यहां पे क्या है इसके लिए सिर्फ आउटगोइंग है, लेकिन क्या वापस आ पा रहा है तो देखोगे नहीं, सिर्फ पॉजिटिव से निकल रहा है लेकिन वापस आ नहीं रहा। यही अगर मैग्नेट होता, यही अगर मैग्नेट होता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो क्या होता है मैग्नेटिक लाइन्स नॉर्थ से निकलता है साउथ में आता है और फिर पता है अंदर अंदर भी साउथ से नॉर्थ आता है, तो क्या देख पाते यहां से जितना गया है फिर वापस पीछे से आ भी गया होता है। तो बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर क्लोज लूप, यानी ये क्लोज लूप बनाया, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर क्लोज लूप, क्यों, क्योंकि ये क्या है यहां से निकलता तो है लेकिन वापस नहीं आता, सिर्फ निकलता है या इसके लिए सिर्फ आता है, है ना, जहां पर आना और जाना दोनों रहेगा, आउटगोइंग और इनकमिंग दोनों रहेगा, उसी को क्या बोलते हैं क्लोज लूप। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाता है जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता, ये इसका तीसरा प्रॉपर्टी हो गया। फिर आता है फोर्थ प्रॉपर्टी पे, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है कि कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब कॉपर अल्यूमिनियम इस टाइप से कोई भी चीज है, तो ये अगर कोई भी कंडक्टर है मतलब मेटल, तो क्या है अगर इसके पास चार्ज रहेगा तो कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी अंदर नहीं होगा, इन्हें कहां से दिखाना होगा, सरफेस से दिखाना होगा, क्यों दिखाना होगा सरफेस, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। अच्छा तुम बताओ अगर कॉपर का ये, अगर तुम्हारे घर में ये 220 वोल्ट का तार है या सॉकेट है और यहां से कॉपर का तार लगा दिए, ये कॉपर का तार है, तो बताओ हर जगह 220 नहीं आ जाएगा, बताओ हर जगह 220 आ जाएगा क्योंकि इसी से अटैच है सर, तो सब जगह 220 होगा, तो चूंकि ये मेटल है इसलिए सब जगह पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, पोटेंशियल क्या हो गया कांस्टेंट, मतलब कहने का यहां पे अगर 12 वोल्ट होगा तो यहां पे भी कितना होगा 12 वोल्ट, यहां पे भी कितना होगा 12 वोल्ट, यहां पे कितना होगा 12 वोल्ट, मतलब तुम सोचो कि ये अगर कोई बॉल है जो कॉपर का बॉल है, ये किसका बॉल है कॉपर का, और इसको तुम सॉकेट से लगा दिए 220 वोल्ट वाला सॉकेट से, जैसे जोड़ दोगे मतलब 220 से जोड़ सब जगह 220 नहीं हो जाएगा, सब जगह 200 कोना कोना में 220 रहेगा, तो क्या अगर कोई भी कंडक्टर में क्या होता है अंदर हर जगह पोटेंशियल एक समान होता है, एक जैसा रहता है, क्यों यहां पे अब चूंकि पोटेंशियल एक समान होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तभी होता है, ये यूनिट 3 में आएगा तुम्हारा, यूनिट 2 में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस एक चैप्टर, यह तुम्हारा जस्ट इसके बाद वाला चैप्टर, वहां पर सीखेंगे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है माइनस डीवी बाई डीआर, यानी पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तभी होता है जब पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, और पोटेंशियल अगर एक समान रहेगा तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, ये तुम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे। तो यहां पर हर जगह क्या है पोटेंशियल चूंकि समान है इसलिए इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता है, किसी भी कंडक्टर में अगर तुमसे पूछेगा कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में होता है या नहीं होता है तो तुम बोलोगे नहीं होता है, रीजन क्या होता है सब जगह पोटेंशियल एक समान होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड तभी हो सकता है जब पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, तो यहां चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस हुआ नहीं इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक लाइन्स कहां से होगा, अगर बोले कि लाइट ही नहीं है तो रे डायग्राम कहां से बनाएंगे, मैग्नेट ही नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होगा, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगा, यहां पे तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं, हाँ बाहर में होगा क्योंकि इसके अंदर में सब जगह पोटेंशियल सेम है, बाहर में नहीं है, बाहर तो एयर है, यहां पे यहां तो पोटेंशियल अलग अलग हो सकता है, हम लोग देखते हैं मेरे घर के सामने जाकर ये 220 वाला तार हो गया, ये 200 वाला तार हो गया, ये 180 वोल्ट वाला तार हो गया, इस पूरे तार में 220 होता है, लेकिन यहां पर देखो तो अलग अलग है, बीच में एयर रहने पे पोटेंशियल चेंज हो सकता है, तो यहां पे क्या है बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जबकि अंदर में नहीं होगा, इसी कारण
हम लोग किसी भी मैटर का अगर बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो सरफेस से दिखाते हैं, जस्ट एरोब द सरफेस बोल सकते हो, यहां से दिखाते हैं। तो तीसरा प्रॉपर्टी होता है, चौथा प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, इनसाइड द कंडक्टर यानी कंडक्टर के अंदर यानी मैग्नेटिक सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, हेंस नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसी कारण hence no electric field lines are present inside the conductor, इसी कारण कोई भी electric field line conductor के अंदर नहीं होता है। ये वैसे notes हम दे भी देंगे तुमको, तो ये इसका fourth property हो गया। सारा property एक-एक करके देख लो। First property क्या बताए थे previous class में, electric field lines जो है वो क्या होता है, positive charge से निकलता है जब भी negative में आता है। इसको language में कैसे लिखते थे, electric field lines are radially outward for positive charge and radially inward for negative charge. Second property क्या बताया था, electric field lines are directly proportional to magnitude of charge. Two coulomb में अगर चार लाइन है तो पक्का है कि four coulomb में आठ लाइन होगा, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा फील्ड लाइन। फिर कह सकते हैं, आज कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता, क्योंकि जितना आउटगोइंग है उतना इनकमिंग नहीं होता, मतलब इनकमिंग होता ही नहीं है, सिर्फ क्या है या तो आउटगोइंग होगा या इनकमिंग होगा, आउटगोइंग इक्वल टू इनकमिंग नहीं हो पाता है, इसलिए ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा अंदर में क्या होगा, जीरो होगा, है ना, क्योंकि वहां पर हर जगह पोटेंशियल क्या होता है, एक समान होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड तभी होता है जब पोटेंशियल का डिफरेंस होता है ना, ये चीज। अब आता है कि आखिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं। अच्छा मान लो ये रास्ता है, ये मान लो कोई भी रास्ता है, अगर हम बोले कि बताओ यहां पर अगर कोई भी चल रहा है तो यहां पर वेलोसिटी इधर होगा, यहां पर वेलोसिटी इधर होगा, यानी कहीं भी अगर पता करना है कि किधर होगा वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो तुम सिंपल क्या करते हो, उस कर्व में टेंजेंट ड्रॉ कर देते हो। ये जो टेंजेंट होगा यही बताएगा कि क्या होगा उस वक्त उसका डायरेक्शन। जैसे बहुत कॉमन सा एग्जांपल है कि अगर कोई भी स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, उसको बांध करके हम लोग घुमा रहे हैं एक बॉल को, एक बॉल ले लिया और ऐसे घुमा रहे हैं, तो बताओ तो अगर यहां पर छूटेगा किधर जाएगा, इधर जाएगा, यानी कहीं पर भी अगर पता करना है कि अगर यहां पर रिलीज होगा, यहां पर रस्सी टूट जाएगा तो किधर जाएगा वो पार्टिकल, तो तुम बोलते हो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाएगा, जो टेंजेंट होगा वही होगा उसका डायरेक्शन। सेम ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, अगर तुमको पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का क्या है डायरेक्शन, तो तुम वहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, है ना, तो वो उसका डायरेक्शन बताता है कहीं भी। जैसे अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इधर से देखो इलेक्ट्रिक जा रहा है कि पॉजिटिव से नेगेटिव, अगर तुमसे पूछें बताओ कि इस P1 पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे टेंजेंट होगा, यहां पर क्या होगा P2 पे, इधर होगा, यहां पर क्या होगा इलेक्ट्रिक, यानी कहीं भी अगर तुमको पता करना है कि क्या होगा उस इंस्टेंट उसका इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव में, तो यहां पे इधर होगा, यहां पे इधर होगा, यहां पे इधर होगा, यानी कहीं भी अगर पता करना है तो तुम वहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, है ना, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करने के लिए तुम उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, यानी किस पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे, तो वो बता देगा कि उस इंस्टेंट क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये चीज है। अब यहां पे एक सिंपल ज्योमेट्री होता है 10th क्लास का, अगर कोई भी सर्कल है और अगर तुमसे पूछे कि इस पॉइंट पर कितना टेंजेंट हो सकता है, तो तुम बोलोगे एक पॉइंट पर एक से अधिक टेंजेंट नहीं हो सकता, जैसे इस पॉइंट पे कितना टेंजेंट होगा, एक होगा, है ना, सिर्फ एक टेंजेंट होगा, किसी भी पॉइंट पर सर्कल में सिर्फ एक टेंजेंट होगा, यानी किसी भी कर्व में अगर बात करें, अगर ये कर्व भी है तो बताओ तो यहां पर कितना टेंजेंट होगा, सिर्फ एक टेंजेंट होगा, एक से अधिक टेंजेंट नहीं होगा, ऐसा नहीं कि एक इधर भी बना दिया एक इधर बना दिया तो गड़बड़ है, एक पॉइंट पर एक से अधिक टेंजेंट नहीं हो सकता है, ये हम लोग सर्कल चैप्टर पढ़ रहे हैं 9th 10th, यहां पे उस 9th 10th का कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर तुमसे बोला जाए कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, और कोई ऐसे बना दिया, बोले बताओ तो ये सही है या गलत है, तो ये एक नंबर और ये दो नंबर, तो ये गड़बड़ हो गया, क्योंकि यहां पर दोनों एक दूसरे को कट करा दे, जो इस पी पॉइंट है, कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है, काट नहीं सकता है, क्यों नहीं काट सकता, आखिर क्या रीजन है, क्योंकि अगर हम इसको फॉलो करें, अगर हम एक नंबर को फॉलो करें, तो इसके अनुसार इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो गया,
देखो ऐसे जा रहा है इधर हो गया, और अगर हम दो नंबर को फॉलो करें तो यह टू लेवल से इधर हो गया। इसका मतलब इस एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो दो डायरेक्शन हो गया। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि एक से अधिक टेंजेंट हो जाएगा एक ही पॉइंट पर, है ना। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर पाता है। इसका मात्र एक रीजन, क्योंकि जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वो तो एक कॉमन पॉइंट होगा कि नहीं, ये कॉमन पॉइंट, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, इसका मतलब इस कॉमन पॉइंट पे कितना टेंजेंट हो गया। अगर इसको फॉलो करेंगे इधर हो गया, इसको फॉलो करेंगे इधर हो गया, इसका मतलब इस पॉइंट पे दो दो डायरेक्शन हो गया, एक इधर भी हो गया एक इधर भी हो गया, जो कहता है कि गलत होगा। क्योंकि किसी भी एक पॉइंट पर, चाहे ये पॉइंट हो या ये पॉइंट हो या ये पॉइंट हो, एक ही टेंजेंट हो सकता है, एक से अधिक टेंजेंट नहीं हो सकता है। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी आता है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकती है, दोनों अलग अलग दिशा में बनाना है। और इसका रीजन क्या होगा, क्योंकि अगर हम इंटरसेक्ट करा देंगे तो एक पॉइंट पर एक से अधिक टेंजेंट होगा, है ना। मतलब बिकॉज मोर देन वन टेंजेंट आर इम्पॉसिबल फॉर ए सिंगल पॉइंट, है ना, और कॉमन पॉइंट, यहां ये पॉइंट है उस पर कभी भी नहीं संभव है कि एक से अधिक टेंजेंट नहीं होगा। इसीलिए इसका जो फिफ्थ है वो यही चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, है ना। दूसरा है, अगर हम बोले कि y इक्वल टू, अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी y इक्वल टू x, किसका इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन, लेकिन y इक्वल टू साइन x, अगर लो साइन x मान लेते हैं, किसका है, कर्व है, टेन एक्स अगर बनाएंगे ऐसे बनता है, यहां पे छूट जाता है, है ना। तो हम बोलते हैं कि ये जो कर्व है y इक्वल टू x, ये कैसा है, कंटिन्यूअस कर्व है। कंटिन्यू मतलब जैसे हम लोग भी चलते हैं, छोड़ छोड़ के चलते हैं, पैर रखे छोड़ छोड़ के चलते हैं, तो हम लोग डिसकंटिन्यू में भी चलते हैं। जबकि जो सांप है, कोई भी रेप्टाइल जो है, वो क्या है, कंटिन्यूअस में भी चलता है, लगातार चलता है, है ना। तो सांप जो है कंटिन्यूअस मोशन है, कंटिन्यूअस कहीं छोड़ना नहीं है, एक दूसरा ब्रेकिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो जहां पर ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस कर्व। जैसे y इक्वल टू x कंटिन्यूअस कर्व है, y इक्वल टू sin x या cos x भी कैसा कंटिन्यूअस है, लेकिन tan x cot x sec x cos x सब का सब डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि 90 पे जाकर के अनडिफाइंड हो जाता है, और वहां जाकर छोड़ देता है, है ना। 90 पे अनडिफाइंड हो गया, छोड़ दिया, तो y इक्वल टू tan x कैसा फंक्शन है, तो बोलोगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x रहेगा तो क्या होगा, छोड़ छोड़ कर ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो वो कैसा फंक्शन है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है ना। तो कोई भी जो छोड़ छोड़ करके होता है वो कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। अब जो लगातार होगा, किसी भी पॉइंट पर नहीं छोड़ेगा, हर एक पॉइंट पर वो डिफाइंड होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वो कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है, कहीं भी नहीं छोड़ेगा। यानी अगर यहां से निकला है तो ये लगातार रहेगा, ये कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन, इस तरह से डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। यानी कि यहां छोड़ दिया फिर आगे से कंटिन्यू हो गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये इसमें कैसा होगा, कंटिन्यूअस होता है, है ना। इसका एक और रीजन होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो इक्वेशन होता है ना, वो साइन के फंक्शन होता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ेंगे हम, तो ये बहुत आगे है, मैग्नेटिक फील्ड के बाद आएगा चैप्टर। इलेक्ट्रिसिटी का जो इक्वेशन होता है वो कैसा होता है, साइन की तरह होता है ना। जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे y = a sin ωt, वैसे यहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी का इक्वेशन क्या होता है, e equal to e not sin ωt या e equal to e not cos ωt, इस टाइप का भी इक्वेशन बनता है इसमें, है ना। तो साइन और कॉस ऐसे भी कहा कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा, है ना। तो तुमसे इसके बाद प्रॉपर्टी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी छठा प्रॉपर्टी है वो ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर कंटिन्यूअस कर्व, है ना। यानी लगातार होगा, कभी भी ब्रेक नहीं हो सकता, छूटेगा नहीं। जैसे हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं, है ना, लाइट का, तो वो रे डायग्राम कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। अगर ये कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है तो यहां से लगातार जाएगा, डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। हम लोग अगर साउंड है, हम जो बोलते हैं वो कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस है, लगातार जाएगा। ऐसा नहीं कि बीच वाले को सुनाई नहीं देगा फिर उसके पीछे वाले को सुनाई देगा, ऐसा नहीं होगा। अगर कोई ऑब्स्टिकल या कुछ नहीं आता है तो, है ना, तो लगातार रहेगा।
तो साउंड वेव, लाइट वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेव, मैग्नेटिक फील्ड का वेव, मैग्नेटिक फील्ड सब जितना मैक्सिमम वेव होता है वो सारा का सारा वेव कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस बिल्कुल नहीं होता है। लाइट तो तुम देख लो, टॉर्च जलाए तो लगातार लाइट जला, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बीच में ब्रेक कर देगा फिर आगे लाइट होगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो ये कैसा होगा, कंटिन्यूअस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है, है ना, डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है। तो ये इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है, है ना, जितना प्रॉपर्टी है कम से कम चार प्रॉपर्टी अगर एग्जामिनेशन में आता है तो कम से कम चार प्रॉपर्टी जो है तुमको एग्जामिनेशन में लिखना होगा, है ना। ये चीज लास्ट एक और बताते हैं, कंडक्टर में कभी भी अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाना, अभी बताए थे कंडक्टर में क्या होता है, सरफेस से बनाना होगा, अंदर में कभी नहीं बना सकते हम लोग, है ना। ये चीज है, तब नेक्स्ट सीखेंगे इसी पे बेस्ड आएगा प्रॉपर्टी सब, है ना। चलो रहने देते।